पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट्स करो, आगे बच्चों को भेजो। आज हम देखेंगे हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं भाग 2 6 अति सोहत श्याम सवैया छंद प्रकार के हम स्वाध्याय के उत्तरे देखेंगे। स्वाध्याय की उत्तरे मैंने खुद ऐप द्वारा लिखी हुई है। स्वाध्याय नंबर 1 संजाल पूर्ण कीजिए। वेदों में श्री कृष्ण को कहा है अछेद, अखंड, अनंत, अनादि। 2 कृति पूर्ण कीजिए। श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर गायन करने वाले शेषनाग, गणेश जी, महेश, शिवजी, दिनेश, सूर्य। इस प्रकार हमने कृष्ण की महिमा का निरंतर गायन करने वालों के नाम देखे हैं। 3 कवि यहाँ और यह बनकर रहना चाहता है। 1 गोकुल में ग्वाला बनकर। 2 नंद की गायों के बीच पशु बनकर। 3 गोवर्धन पर्वत पर पत्थर बनकर। 4 यमुना के तट पर कदम के कुंजों में पक्षी बनकर। इस प्रकार कवि यहाँ बनकर रहना चाहता है। स्वाध्याय नंबर 4 अ पद में उल्लिखित पक्षी 1 काग यानी कौवा, 2 मोर। आ कृष्ण द्वारा पहने हुए वस्त्र 1 कचोटी छोटी धोती, 2 पाग पगड़ी। 5 पद्य में इस अर्थ में आए शब्द 1 शोभा देता है सोहत, 2 ग्वाल बालाए छोहरिया, 3 गोरस देने वाली धेनु, 4 शुकमुनि उत्तर सुख। 6 निम्न शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ लिखिए। चोटी शिखा पर्वत शिखर, व्यास अर्थ एक मुनि परिधि। 2 शब्द समूह के लिए 1 शब्द लिखिए। 1 जिसके कोई खंड नहीं होते अखंड, 2 छाछ रखने का छोटा पात्र छिया, 3 जिसका कोई अंत नहीं होता अनंत, 4 जो सदैव चलता रहता है निरंतर। 7 क्रुदंत तदित शब्दों के मूल शब्द पहचान कर लिखिए। झगड़ालू मुस्कान सांस्कृतिक रसीला खिलाड़ी कहानी जगमगाट सुखी। क्रुदंत मूल शब्द मुस्कान मुस्काना, खिलाड़ी खेलना, कहानी कहना, जगमगाट जगमगाना। तदित मूल शब्द झगड़ालू झगड़ा सांस्कृतिक संस्कृति रसीला रस सुखी सुख। इस प्रकार हमने क्रुदंत और तदित शब्दों को मूल शब्द पहचान कर लिखे है। 8 किसी एक पद का सरल अर्थ लिखिए। मानुष हो तो माखन रोटी पद का अर्थ रसखान कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मुझे गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहने का अवसर मिले। यदि पशु बनूं तो उस पर मेरा कोई बस नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं सदैव नंद बाबा की गायों के मध्य चरूं। यदि मुझे पत्थर बनाना पड़े तो मैं उस पर्वत का पत्थर बनूं जिसे इंद्र के कोप से वज्रवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में उठा लिया था। यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं यमुना नदी के तट पर स्थित कदम के कुंजों की डालियों पर रहूं। इस प्रकार हमने भाग 2 अति सोहत श्यामजू सवैया छंद का हमने स्वाध्याय की उत्तरे देखे है। ये स्वाध्याय मैंने ऐप द्वारा खुद लिखी हुई है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स करें और आगे शेयर करें।